हेलो गाइस, सो आज के इस वीडियो में एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, है ना। वो लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप लोग जब जैसे जब आप लोग डिप्लोमा से डिग्री में आप लोग जब एडमिशन्स लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं D2D, है ना। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ, आप लोग जब एडमिशन लेंगे झारखंड डिप्लोमा टू डिग्री में, तो उसका एक प्रोसीजर क्या है ना, और मैंने क्या क्या उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, वही चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना। और अगर वीडियो को अच्छे लगे तो तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान ली जैसे देखिए, जब हम लोग डिप्लोमा का जब हम लोग लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले थे, है ना, तो उस टाइम नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप लोगों का D2T फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करना। और उस टाइम ये बोला नहीं गया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम देना है कि नहीं, ठीक है। उस टाइम सिर्फ हम लोगों को पता था कि हम लोगों का एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद ही तब हम लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनने के बाद ही तब हम लोग एडमिशन्स ले सकते हैं कोई भी कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही होता था, ठीक है। और हम लोग बस वही सोच समझ के हम लोग फॉर्म फिलअप कर लिए थे। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जब फॉर्म फिलअप वगैरह हो गया था, तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, इस बार कोरोना वायरस इतना बढ़ गया कि कोरोना वायरस के चक्कर में इतना बढ़ गया, पैंडेमिक इतना हो गया कि इस जिसके चलते हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था। और हम लोग बोला था कि डिप्लोमा के जो लास्ट सेमेस्टर है, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, वो दोनों मिला के आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और वही मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का एडमिशन होगा कॉलेज में, ठीक है। तो भाई ठीक है, हम लोग तब तक तो फॉर्म भर लिया था, और हम लोग तो एग्ज़ाम चल रहा था, हम लोग पास तो कोई रिजल्ट था नहीं, है ना। तो हम लोग तब तक क्या कहते, हम लोग सब फॉर्म फिलअप हम लोग अपेयरिंग वाला ही भरे थे, ठीक है। तो हम लोग सब अपेयरिंग वाले भर लिए थे, और हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे फिफ्थ के। तो एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया था, एक महीना बाद हम लोग का रिज़ल्ट भी निकल गया था, है ना। जब रिज़ल्ट निकला तो हम लोग को तब फिर से नोटिफिकेशन जारी किया कि आप लोग क्या करना है, आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोगों का आप लोगों का डिप्लोमा का मार्कशीट के बेसिस पे आप लोगों का रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो आप लोग काम कीजिए, आप लोग फिर से एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और एक डेट दिया था हम लोग को एडिट करने का फॉर्म को। तो हम लोग वही डेट से हम लोग क्या किए थे, फिर हम लोग फॉर्म ओपन करके हम लोग फिर एडिट वगैरह किए थे, जिसमें हम लोग तो पहले पास्ट अपियरिंग वाले देते, फिर हम लोग पास्ट कर दिए थे। पास्ट करके हम लोग से फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट मांगा था, ठीक है, और मार्क्स परसेंटेज मांगा था, मार्कशीट बेसिकली देखिए। और हम लोग के पास अभी तक मार्कशीट भी नहीं, ऑरिजिनल मांगा था। फिर एक चीज़, मार्कशीट जो है वो ऑरिजिनल मांगा जाता है, बट इस बार हम लोग का मार्कशीट नहीं आया बोल के हम लोग से प्रोविजनल मार्कशीट बनवाया गया था, बनवा के हम लोग को तभी जमा करना पड़ता। अब प्रोविजनल मार्कशीट कहाँ से बनता है, वो कॉलेज से बनता है। तो हम लोग कॉलेज से प्रोविजनल मार्कशीट बनवाए थे, कॉलेज से प्रोविजनल मार्कशीट बनाने के बाद ही तब जाकर हम लोग का एक्सेप्ट किया, नहीं तो नहीं होता। बहुत जन का तो प्रोविजनल मार्कशीट बना भी नहीं था, बहुत सारे कॉलेज जो पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, बहुत सारे कॉलेज तो बना ही नहीं रहते। हम लोग तो बहुत सारा फोर्स करने के बाद तब जाके मार्कशीट बनाया था। और वो मार्कशीट कैसे हो, एक ही मार्कशीट में दोनों का परसेंटेज होना एकदम ज़रूरी है, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट मार्क्स होना एकदम ज़रूरी है, और ओवरऑल परसेंटेज होना ज़रूरी है। और वही मार्कशीट हम लोग को फॉर्म फिलअप जहाँ कर रहे थे वहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी था। तो हम लोग जैसे तैसे करके फोर्स करके कॉलेज को रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके हम लोग प्रोविजनल मार्कशीट बनवाए, बनवाने के बाद ही तब जाके हम लोग फॉर्म फिलअप में सबमिट किए, क्योंकि बाकी टाइम जब भी होता था हम लोग से ओरिजिनल मांगा जाता था, बट हम लोग ओरिजिनल आया नहीं था, अभी तक भी ओरिजिनल नहीं आया, सोचिए 2000। तो हम लोग क्या किए, हम लोग फिर मार्क्स वगैरह अपलोड कर दिए, मार्क्स वगैरह सब अपलोड करने के बाद हम लोग फिर क्या हुआ, हम लोग का मेरिट लिस्ट निकला, ठीक है। हम लोग का जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का जो मेरिट लिस्ट था, वो मेरिट लिस्ट हम लोग का निकला, और वही मेरिट लिस्ट हम लोग पता चला थे हम लोग कितना कितना परसेंटेज है, कितना रैंक है हम लोग, ठीक है। और वो भी बोला, और ये भी बोला कि आप लोगों को जो रैंक है उसी के हिसाब से आप लोगों का एडमिशन चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। बट वैसे करके हम लोग चॉइस फिलिंग हम लोग किए, है ना। तो चॉइस फिलिंग का भी फिर से ऑप्शन आया था, और चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को सीट मैट्रिक्स से पता चल जाता है ना, कि सीट किस कॉलेज में कितना सीट है। और अब जब मैंने सीट मैट्रिक्स देखा जो जो कॉलेज में सीट मैट्रिक्स, तो क्या बोलूँ, जितना बीटेक एडमिशन होता है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जिन लोगों का एडमिशन होता है ना, वो लोगों से और ज़्यादा आता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, पर्टिकुलर कॉलेज है, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए खूब से खूब 20 सीट रहता है, ठीक है। और वही कॉलेज अगर आप लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो खूब से खूब 10 भी नहीं, 6, 7 या 8 सीट रहता है, ठीक है, बहुत ही कम सीट रहता है। तो यही था,
और यहाँ का तो फेमस कॉलेज आपको तो पता है BIT सिंधरी, जो कि सब चाहते हैं। और BIT सिंधरी का तो भाई सीट आपको अगर बता दूँ तो भाई आप चौंक जाओगे। DTT वालों का 4 या 5 सीट बचा हुआ था सिर्फ, सोचिए, वो भी जनरल वालों का। ST SC वालों का तो 2-3 और OBC का तो सिर्फ 1, सोचिए इतना कम सीट बचा हुआ था। बस इतना सीट में तो हम लोग एडमिशन वगैरह हुआ था। लेकिन हाँ, और एक चीज़ मैं आपको टिप बता देता हूँ, जो आपका रैंक हुआ है वही रैंक के हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। जब चॉइस फिलिंग उसी के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए आपका जितना भी पीछे रैंक रहा है, अगर आप सोच रहे कि मैं BIT सिंधरी फर्स्ट ऑप्शन में दूँगा आपको, अगर तो आपको BIT सिंधरी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को आपको ऐसा कुछ होगा नहीं, ये बहम है, ठीक है। तो मेरा जो रैंक था, मैंने अपने रैंक के हिसाब से मैंने BIT सिंधरी अपना फर्स्ट चॉइस में नहीं रखा था। मैंने अपने USET और जितने PPP कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सब पहले सेमी इसमें फ्री सीट में रखा था, फिर मैंने पेमेंट सीट में रखा। जैसे PPP कॉलेज में कौन कौन आता है, चाईबासा हो गया, रामगढ़ हो गया, दुमका हो गया, ठीक है। तो अपने रैंक के हिसाब से मैंने यही सब सेट किया था, ठीक है। चॉइस फिलिंग में कोई लिमिटेशन रहता है, आप जितना मन चाहे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 3 दिन का टाइम रहता है, आप जितना मन चाहे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एक मतलब क्या, चॉइस फिलिंग जो होता है वो एक दिन मतलब टाइम दिया जाता है, आप लोगों को डेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप लोगों को इस डेट से आप लोगों को चॉइस फिलिंग भी करना है, आप लोगों का सीट प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा, सब कुछ एक नोटिस के जरिए आप लोगों को बता दिया जाता है। किस दिन आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट पता चलेगा, किस दिन आपको पता चलेगा आपको किस कॉलेज में मिला है, आप लोग कब मैं आपको सीट मेरिट लिस्ट मिलेगा और सीट अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा और कब जाकर आपको एडमिशन लेना है, सब कुछ एक नोटिस में बता दिया गया था, है ना। तो चॉइस फिलिंग जो था वो तीन दिन का था, ठीक है। हम लोग पेमेंट वगैरह करके चॉइस फिलिंग वगैरह किए थे। चॉइस फिलिंग करने के बाद 3 दिन के बाद तब जाकर हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट आया, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस बार जो हम लोग काउंसलिंग जो हुआ था बहुत ही बेकार हुआ था। सोचिए, जो अच्छा स्टूडेंट, जिन लोगों का परसेंटेज अच्छा था डिप्लोमा में, वो लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें ये BIT सिंधरी में सोचिए एडमिशन नहीं मिला, जो अच्छा अच्छा कॉलेज, जो अच्छा अच्छा स्टूडेंट था, सोचिए। और जो एवरेज स्टूडेंट था इस बार डिप्लोमा के, जो एवरेज स्टूडेंट्स थे, वो लोगों को भी सोचिए इतना अच्छा अच्छा रैंक आया, मतलब इतना अच्छा अच्छा परसेंटेज आया डिप्लोमा, क्योंकि 5th सेमेस्टर में हम लोगों को प्रमोशन कर दिया गया था, जिसके कारण हम लोगों का मार्कशीट में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया था, है ना। बस इसी चलते भाई थोड़ा बहुत इस बार थोड़ा लोचा हुआ था भाई इसमें काउंसलिंग में, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है, इस बार एग्ज़ाम होता है कि नहीं भाई। अगर इस बार होना तो चाहिए एग्ज़ाम, देखते हैं इस बार क्या होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता ना तो भाई जितना जन का एडमिशन हुआ था ना, किसी का एडमिशन नहीं होता। इस बार जो लोगों का एडमिशन हुआ ना, इस बार किसी का एडमिशन नहीं होता, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होता तो। लेकिन इस बार बच गया, डिप्लोमा का मार्क्स के बेसिस पे हो गया इस बार, है ना। तो बस ऐसे ही हुआ था हम लोगों का। फिर मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट निकला, जिसमें मुझे मिला था दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी पेमेंट सीट में, है ना। तो मेरे लिए तो बहुत दूर पड़ गया था दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, दुमका कहाँ इतना दूर है। तो मैं क्या करूँ, लास्ट में फाइनल क्या किए थे, हम जाके चाईबासा में बात किए, चाईबासा से बात करके चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज बात करके, क्योंकि वो तीनों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तीनों सेम कॉलेज है ना, तीनों एक ही कॉलेज के अंदर चलता है, टेक्नो इंडिया के अंदर चलता है। तो मैंने चाईबासा में बात किया, तो आज चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज बोला कि हाँ, यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते। तो फाइनली मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, वो पेमेंट सीट, क्योंकि देखिए पेमेंट सीट का जितना फीस है, डायरेक्ट एडमिशन वाले को वही सेम फीस है। मेरे को पहले दुमका मिला था, लेकिन मैंने क्या किया, अपना सीट ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पे मैंने चाईबासा में मैंने एडमिशन ले लिया है, वो भी पेमेंट डायरेक्ट एडमिशन जिसको बोलते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से, ठीक है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो प्रे करता हूँ इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप लोगों का काउंसलिंग हो, क्योंकि अगर इस बार भी अगर डिप्लोमा के बेसिस पे अगर काउंसलिंग हुआ तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत जन का एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत जन का छूट जाएगा। इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हम लोग चाहते हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है, है ना। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, है ना। तो यही मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, है ना। अगर वीडियो को अच्छा लगे, अगर कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको ये आपको कुछ भी समझ में आया कि नहीं, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दूसरा लाइफ एक्सपीरियंस बनाऊँ अपना पॉलिटेक्निक एडमिशन को लेकर, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ओके। तो तभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, मेरा पॉलिटेक्निक एडमिशन का एक्सपीरियंस, मैंने जब पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे मैंने काउंसलिंग हुआ था, कैसा कैसा हुआ था, कैसे मैंने रांची में जाके मेरा कैसे हुआ था एडमिशन वगैरह, सब प्रोसेस मैं आपको ऐसे बताऊँगा वीडियो के थ्रू, ओके।
तो मेरा ये सबसे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, JOT या JCC नोटिस से रिलेटेड। ये वीडियो तो बहुत जन बनाए नहीं होगा अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं ही फर्स्ट हूँ जो ऐसा वीडियो बनाया हूँ ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पर, है ना, जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, और हाँ, मेरा एक सेकेंड चैनल भी है जो कि नाम है GK अड्डा, जहाँ मैं अपना लाइफ करंट अफेयर्स एक वीडियो के तौर पे शेयर करते रहता हूँ। डेली लाइफ करंट अफेयर्स अपलोड करते रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट आप वो सेकेंड वीडियो में चल जाइए, और जहाँ आपको मिलेगा डेली अपडेट करंट अफेयर्स विद बोनस क्वेश्चन के साथ, है ना। एक वीडियो में आपको बोनस क्वेश्चन देते रहूँगा, अगर जो फर्स्ट कमेंट करेगा उनका शॉर्ट आउट मैं करूँगा सेकेंड वीडियो में। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, तो मेरे सेकेंड चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और ये मेरा मेन चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, है ना। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।